मित्रों आज से मैथ्स की नई सीरीज शुरू हो रही है। जी हाँ, मैथ्स की नई सीरीज, इसका नाम है HWM, हाउसवाइफ मैथ्स। हाउसवाइफ मैथ्स, अरे सर ऐसा क्यों नाम? ऐसा नाम इसलिए कि ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स हैं उनको मैथ्स में दिक्कत जा रही। 5-10 साल शादी की हो गए, गृहस्थ में इतना उलझ गए कि मैथ्स उनका दिमाग अब चलना बंद हो गया है। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल हाउसवाइफ मैथ्स बैच शुरू कर रहे हैं। लेकिन जिसको भी दिक्कत, बस नाम है हाउसवाइफ मैथ, जिसको भी बेसिक में दिक्कत है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो हर यूनिट को जरूर देखें, कंसेप्ट को समझें, वर्ड्स की मीनिंग को समझें, फिर अपनी जो रेगुलर क्लास चल रही है, सारे टॉपिक उसमें ऑलरेडी डले ही हुए हैं, उसको भी देखें। तो ऐसा आप करेंगे तो आपकी मैथ्स की दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर को समझिए, नंबर क्या होता है, अंक क्या होते हैं, अंक काउंटिंग करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। जी हाँ, काउंटिंग करने का एक तरीका है, अलग अलग विधा थी। पहले 1 से 9 करते थे, 16 में करते थे, बाइनरी करते थे, फिर दशमलव पद्धति आई। तो सब अलग अलग तरीके हैं, अपन डेसिमल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर जब भी हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो कुछ नंबर वास्तविक होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। पहले नंबर को ऐसे डिवाइड किया गया, रियल नंबर दुनिया का कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो, लिख सकते हो, वो सब क्या है, रियल नंबर, जिसका यूज है रियल नंबर। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, जिस नंबर का अस्तित्व तो नहीं है, जिस नंबर का अस्तित्व तो नहीं, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कई बार उपयोगी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, आयोटा होता है, आयोटा इक्वल्स टू वैल्यू क्या है, √-1। बस इतना समझिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं इतना बता दिया हूं कि रियल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। आइए रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर दो भागों में है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है जिसको PYQ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और Q 0 के बराबर ना हो। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जैसे 1/2 है, 4/5 है, ये सब क्या है, रेशनल है। लेकिन साथ ही साथ 2.5 ये भी रेशनल होगा, क्यों, क्योंकि 25/10 इसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 3, ये भी रेशनल है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, रेशनल हो जाएंगे। इरेशनल क्या है, इरेशनल ये है कि जिसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो PYQ के फॉर्म में लिख दिया तो रेशनल हो गया, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 चला गया, 1/0, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। इरेशनल क्या है, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। एग्जाम्पल क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 ये बढ़ती जाती है ना, ये नंबर कभी खत्म नहीं होता। हम जो लिखते हैं 22/7, ये क्या होता है, अप्रॉक्स होता है। क्या होता है, अप्रॉक्स होता है, 22/7 अप्रॉक्स है, पाई की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाती है, ये डेसिमल प्लेस कभी खत्म नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो मित्रों, रेशनल और इरेशनल आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन का। इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि दो टाइप के नंबर है, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब हमको रियल से ही है, रियल में हमने देखा कि रेशनल और इरेशनल दो टाइप के नंबर होते हैं। जो रेशनल होते हैं उसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मेन कहानी अपनी रेशनल की ही ज़्यादा होगी, इसलिए रेशनल को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो रेशनल नंबर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स और डेसिमल्स, ये रेशनल नंबर के क्लासिफिकेशन है। फ्रैक्शन वही जो भी भिन्न है, कैसा भी भिन्न है, ये सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर भी है। इंटीजर 1 है 3 है -5 है, ये सब क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। और डेसिमल 2.5 3.4, ये सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मित्रों, रेशनल नंबर की कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इंटीजर के क्लासिफिकेशन की। रेशनल नंबर हम समझ लिए, थोड़ा सा समझ लेते इंटीजर, क्योंकि हमारा मेन पाला इंटीजर से ही पड़ेगा, ज़्यादातर मैथ्स में इंटीजर है हम सीखेंगे। इंटीजर को भी डिवाइड किया गया कैसे, नेचुरल नंबर समझ लिए, समझने वाली चीज़ें ये, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे होगा, होल नंबर। नेचुरल
नेचुरल और होल नंबर इंटीजर को क्लासिफिकेशन किया गया। तो इंटीजर समझ लीजिए होता क्या है, नंबर लाइन में ड्रॉ कीजिए तो जीरो से अनंत तक और इधर माइनस अनंत तक, बस काउंटिंग में 1, 2, 3 ऐसे लिख देंगे, इधर निगेटिव लिख देंगे, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर होती है ये एक से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है, एक से अनंत है तो नेचुरल नंबर हो जाएगी, और होल नंबर क्या हो जाएगी, जीरो से अनंत, बस इतना ही अंतर है, जीरो से अनंत होल नंबर हो जाएगी। अगर मैं कहूं 0.5 तो ये क्या है, ये कौन सा नंबर होगा, ये हो जाएगा आपका डेसिमल। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपना होल और नेचुरल नंबर हमेशा फुल फिगर में होती है, तो मतलब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा अनंत होगा और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो मित्रों ये रही आज की क्लास, बेसिक से शुरू किया हूँ, आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा तो एक बार चार्ट से रिवीजन करा देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा और मैं आसानी से करके बताऊंगा आपको। तो हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा कि हमने पहले पढ़ा रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है √-1। एग्जाम्पल जैसे 3+4 iota, ये काम करनी इसको छोड़ दीजिए। रियल नंबर में हमने पढ़ा रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या है, जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो नीचे लिखते हैं वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल। रेशनल को हमने देखा इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये तीन टाइप के नंबर हमको मिलते हैं रेशनल पे। फिर हमने इंटीजर में क्या देखा, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये रहा आज का नंबर सिस्टम, ये आज शुरुआत थी, तो आज बस हल्का डोज आपको दिया हूँ, नंबर सिस्टम हो गया, कल इसकी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे और आगे का ऐसी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।